जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव हर घर तिरंगा बोलेंगे मीडिया वालों को कि यार घर में जाके रखो। वो आज तक जो 70 साल से उन्होंने हमें ये बोला कि तिरंगा ही हमारी पहचान है, तो आज जब उनके हाथ में सरकार नहीं है, जब वो आज गैंग बना के आपको बीजेपी के साथ बहुत सारे, बट जिस वक्त देश की बात हो उस वक्त फारूक साहब आपसे हम ये उम्मीद ही नहीं करते थे कि आप जैसे इतने बड़े लीडर कश्मीर के ये बात कहें जाके घर में रखो। क्यों बोलोगे आप ये बात जब आप इस हमने हमारी पार्टी ने और हमारे नेशनलिस्ट यूथ ने यह डिसीजन लिया कि इस इनिशिएटिव का हम इसकी शुरुआत हम फारुकुल्लाह साहब के घर से करें, क्योंकि जो हमारे साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है, जिन्होंने हमेशा इंडिया की बात की है और जो हमेशा मेन स्ट्रीमिंग में एक आइडल रहे हैं। बट आज जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, आज जब इनिशिएटिव लिया गया, जब उसे मीडिया वाले पूछते हैं कि जनाब आप क्या बोलना चाहते हैं हर घर तिरंगा के बारे में, उसका वो गुस्सा वो नाकाबिल बर्दाश्त है जो वो उसने गुस्सा उस वक्त दिखाया। फारुकुल्लाह साहब को कहना चाहते हैं, फारुकुल्लाह साहब वो दिन याद कीजिए जब 1996 में यहाँ इतनी मिलिटेंसी उरूज पे थी, उस वक्त तो लोग कुछ और देख रहे, तो उस वक्त तो आपने कश्मीरियों को जबरदस्ती झंडा उठाया था, उस वक्त जिस बंदे की गाड़ी के सामने झंडा नहीं था आप तो जबरदस्ती लगवा देते। आज आप जैसे लोग ये क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूअल पॉलिसी लोगों के सामने आ चुकी है। हम आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं फारुकुल्लाह साहब, वो जो आप लोगों की सियासत थी वो खत्म हो गई है। यहाँ नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स चलेगी, यहाँ एक देश की पॉलिटिक्स चलेगी। जो आप जब भी सरकार में होते हैं तो आप तो तिरंगे की बड़ी बड़ी शान से आप तिरंगा उठाते हो, और जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते हो आप कभी चाइना को बोलते हो, अल्लाह ताला चाइना को कामयाबी दे, आपका 370 वापस आएगा। कभी आप गिलानी साहब को 2016 में बोलते थे आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फारुकुल्लाह साहब एक स्ट्रीम पे बैठे। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप हो या नहीं हो, हमें पता है आप जैसा नेशनलिस्ट कोई नहीं है, बट जहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ डिफरेंसेस है, हमें भी है, हर कश्मीरी को डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ। बट जब देश की बात आई, जब हमारे नेशनल फ्लैग की बात आई, उस वक्त आपसे कहना चाहते हैं जनाब हम ये उम्मीद करते थे आप सबसे पहले खड़े होते, मगर बदकिस्मती की बात है जब आप जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता ये बात करें तो हम जैसे छोटे बच्चों